दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں حافظ محمد عامر تارکی تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے میں آج آپ کو ناف چڑھانے کے لیے اور جن لوگوں کی بار بار ناف اترتی ہے ان کے لیے ایک عمل بتانے جا رہا ہوں। अगर कोई शख्स सूरह फील का आमिल है तो वो इस अमल को किसी को पढ़कर दम भी कर सकता है, और इसके अलावा अगर आप किसी और को दम करना चाहें सूरह फील से तो मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। ये अमल बहुत ही बेहतरीन और नहायत ही छोटा अमल है। अगर आपकी नाफ उतर गई है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप को इस बात का इल्म भी होगा कि जब नाफ चढ़ाई जाती है या कुछ लोग जो नाफ चढ़ाते हैं उसमें बहुत ही तकलीफ़ होती है, और अगर आप सूरह फील को इस तरह पढ़कर दम कर लेंगे तो इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी नाफ अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। अमल का तरीका यह है कि आपने बावजू हालत में पाक साफ जगह बैठकर आपने सूरह फील को 7 मरतबा पढ़ के अपनी नाफ पर दम करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्फा इसमें करें, फिर 7 बार पढ़ के दम करें, फिर थोड़ा सा वक्फा करें, फिर 7 बार पढ़ के दम करें। इस तरह 3 मरतबा करने से आपकी नाफ अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। और अगर किसी ने सूरह फील का अमल किया है तो वो किसी को पढ़ के दम भी कर सकता है, और इसके अलावा अगर किसी ने सूरह फील का अमल नहीं भी किया तो वो भी किसी को पढ़ के दम कर सकता है। तो सूरह फील के ज़रिए आप नाफ बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप नाफ अपनी जगह पर बिठा सकते हैं। अच्छा, जब नाफ अपनी जगह पर आ जाए तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों की नाफ बार बार उतरती है, तो फिर उसका तरीका यह है कि सूरह फील जब आप पढ़ लें 7 बार, नाफ अपनी जगह पर आ जाए तो 7 बार सूरह फील पढ़ने के बाद नाफ पर जो है ना, इस तरह आपने दायरे की सूरत में अगर आप किसी मर्द को दम कर रहे हैं तो आप उसके नाफ पर फेर सकते हैं। अगर कोई औरत किसी औरत को दम करते हैं तो आप उसके शहादत की उंगली पर दम करें और उससे कहें कि वो अपने नाफ पर दायरे की सूरत में, हिसार की सूरत में एक दायरा बना ले, तो इंशाल्लाह उनकी नाफ जो बार बार उतरती है उनकी नाफ भी नहीं उतरेगी, और सूरह फील के ज़रिए आप इस तरह नाफ किसकी चढ़ा भी सकते हैं, और अब अगर ख़ुद की उतर जाए तो अपनी भी नाफ अपनी जगह पर आ सकती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।